शिमला जिला के रामपुर में भी कोरोना का एक मामला सामने आया है। ये व्यक्ति भी दिल्ली से 27 मई को बस में रामपुर आया था। उस बस में कोरोना पॉजिटिव के साथ अन्य 3 लोग आए थे, लेकिन उनमें 2 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि की चौथे का सैंपल टेस्ट के लिए भेजा गया। इसके साथ किन्नौर सांगला का दंपत्ति भी उसी बस में आया था, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते रोज रामपुर से 27 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 1 पॉजिटिव आया है। ये व्यक्ति रामपुर के तखलेज इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव को ज्यूरी के कोटला SJVN के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था, जिसे मशोबरा शिफ्ट कर दिया गया है। SDM रामपुर नरेंद्र चौहान ने बताया कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति 27 मई को दिल्ली से रामपुर आया था। उन्होंने बताया कि 27 सैंपल शिमला भेजे गए थे, जिसमें से 1 पॉजिटिव आया है। उसे कोविड केयर सेंटर मशोबरा भेजा गया। रामपुर में इस वक्त 208 लोग होम क्वारंटीन है, जबकि 75 संस्थागत क्वारंटीन सेंटर में है। 1100 से अधिक लोग क्वारंटीन अवधि पूरी कर चुके हैं। कि आप सब लोगों को विजिट है, कल हमने 27 सैंपल IGMC शिमला को भेजे थे, जिसमें से कि 1 मामला पॉजिटिव पाया गया है। उसको हमने कोविड केयर सेंटर मशोबरा के लिए शिफ्ट कर दिया गया है। रामपुर में इस वक्त 208 लोग होम क्वारंटीन हैं, 75 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हैं और 1100 से ज़्यादा लोग होम क्वारंटीन कर अपना सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी कि कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम संख्या में बाहर निकलें। यदि नितांत आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें और मास्क लगा के निकलें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और बुजुर्ग व बच्चे बिल्कुल भी बाजार में ना आए। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश रहेगी, तभी हम इस संक्रमण से लड़ पाएंगे और अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। धन्यवाद।